बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तकरीबन तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, 9:15 9:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी अब्बा जी के साथ बाहर आया था, क्यों आज जो मौसम है वो धुंधसी हो रही है, ये पीछे आप देख रहे होंगे, क्यों अभी तक सूरज सही तरीके से बाहर नहीं आया है। आज सुबह से ठंड थी, मैं सुबह भी इरादा बनाया था नमाज के बाद बाहर निकलने का, लेकिन ठंड की वजह से निकलने को दिल नहीं किया है। ये धुंधसी है जिसकी वजह से ये देखना सूरज भी अभी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। तो चारा हम इधर से लेने आए हैं, ये इधर से दोबारा ख़रीदे हैं, घर के पास ही ख़रीदे हैं। ये इधर से गांव शुरू हो जाता है, तो 10 मरले इधर से लिए हैं, इतने अपने तैयार हो जाएंगे, क्यों अपने अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं, टाइम काफ़ी लेंगे। ये इधर से लिए हैं हमने, ये भी छोटे छोटे से हैं, तो बस मजबूरी थी लेने थे। केड़ी सब्जी लाई? लसन थोड़ा लाया। ये मैं पलियों में पट्ठे डाल रहा हूँ, एक बन गई हमारी, एक ये मैंने बिछाई है, एक रहती है अभी, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें। ये मैंने पट्ठे डाल के बांध लिए हैं। अबू जान तो चले गए हैं, कटवा के गए हैं, तो उन्होंने के काम जाना था, गोश्त का पता किया हुआ, क्यों जुमे के जुमे गोश्त इधर होता है, तो कट्टा वगैरह बड़े का गोश्त रख लेते हैं लाके, तो वो लेने गए हैं। तो मैं इधर रेडी का इंतज़ार कर रहा हूँ, रेडी आएगी अभी, क्यों हमारी इधर की जो साइड की है, जो पट्ठे काटे जाते हैं ना, वो रेडी पे लेके जाते हैं, अपनी रेडी है, तो वो आएगी अभी, उस पर ले कर चलेंगे, क्यों दूर के जो बाईपास से ले कर आते थे वो तो रक्शे पर, क्यों रेडी इतनी दूर ले कर जाना मुश्किल होता था, तो इस वजह से जो आस पास के जो चारा काटते हैं ना हम, तो वो अपनी रेडी पे लेके जाते हैं। तो बस ये रेडी का इंतज़ार है, थोड़ी देर तक आएगी फिर लेके चलेंगे। ये हमारे पट्ठे रेडी पे लेके जा रहे हैं। ये रेडी अपनी तैयार की हुई है, दो आदमियों ने मिलके ली हुई है, अब्बा जान है और एक आदमी है, तो ये वापस उसी के पास ही जाती है। तो हमारे जो पट्ठे हैं वो इधर छोड़ के चले गए हैं, देखें पट्ठे हमारे घर में पहुंच चुके हैं। मेरी आज वापसी भी होगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है, क्यों तबीयत अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, तो वापसी उकाड़े की तैयारी करेंगे। अभी मौसम अभी तक भी नहीं खुला है, क्यों धूप अभी तक मुकम्मल नहीं निकली है, वो स्मोग सी है, उसकी वजह से धूप कम निकल रही है। मैंने बताया था अब्बा जान लेने गए थे गोश्त, लेकिन गोश्त मिला नहीं है, वो कट्टे के पाए लेके आए हैं, वो पहले मैंने बनाए हैं, तो अभी काटने लगा हूँ, आप दोस्तों को भी दिखाते हैं कि कैसे काटते हैं। बस एक ही काटने हैं, ये दो लेके आए हैं, एक घर में फ्रीज कर लिया है, वो बाद में करेंगे, क्योंकि एक ही काफ़ी होता है, तो अभी हम इसको काटते हैं, तो आप दोस्तों को भी दिखाते हैं।
ये देखिए, ये मैंने इसकी मुकम्मल सफाई की है अभी, तो बस जो थोड़ी थोड़ी सी रहती है ये भी साथ कर लेंगे अभी। क्योंकि जितनी सफाई हो इसकी उतना ही मज़ेदार बनता है, फिर खाने में वो उलझन सी नहीं होती है। जब सही बना ही ना हो ना, खाने के वक्त भी इसकी ना काफ़ी वो रहती है, दिल ही नहीं करता फिर खाने को। तो इसकी ये साथ साथ हम सफाई करते रहेंगे जितनी करनी है। मैं इसको बड़े प्यार से बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ खुद ही बनाता हूँ। और इसकी ये जो बोटी है ये बहुत छोटी बनाता हूँ। ये देखें, ये जो चीज़ है ये भी मैं उतार लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हड्डी ही छोड़ता हूँ और पकने में काफ़ी मज़ा आता है इसका। ये देखें, ये मैंने हड्डी को अलग किया और ये अलग किया। अगर आप बाज़ार से बनवाने जाए ना, वो ऐसे इसको बड़े बड़े पीसेस में बना के आपको दे देते हैं, लेकिन ये जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे ये पकता भी आसानी से, जल्दी पक जाता है और मज़ा भी आता है खाते हुए। ये देखें, इतनी इतनी छोटी बोटी बनी हो और बहुत ही मज़े का पकता है ये। ये देखें, ये अभी धोएंगे हम, लेकिन ये है कि इसको बनाते वक्त थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ता है, तो ये आगे पीछे तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
ये हर बार जब भी बनाने होते हैं मैं खुद ही बनाता हूँ, तो ऐसे ही बनाता हूँ कि छोटी छोटी बोटी बनी हो और गलने में भी आसानी रहती है और मज़े के भी बनते हैं। ये देखें ये बने हैं, तो अभी हम इसको पकाएंगे। ये देखें छोटी छोटी सी बोटी है और मज़े के पकेंगे ये। ये देखें मैं अपने किचन में ही हूँ, तो मैंने पहले काटा है उसको, अभी पकने के लिए रखा है। मैंने ही सब कुछ किया है, अभी कुकर में मैंने पकने के लिए रखा। अभी देखें कितना टाइम लेता है ये पकने के लिए। अभी अपनी तैयारी भी करनी है, तो बस कपड़े सीखने वाले हैं वो प्रेस करते हैं अभी, तो उसके बाद तैयारी करते हैं वापसी की। तो जुमे के बाद ही जाया जाएगा, जुमा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही जाएंगे। इतनी देर में ये भी तैयार हो जाएगा, खाना खा के फिर निकलेंगे। देखें हमारा जो खरोड़ा था वो तैयार है तकरीबन, बस थोड़ी सी देर और लगेगी, बस मैं उतार के लेके जा रहा हूँ। तैयारी हमारी हो चुकी है, 3:45 का टाइम है गाड़ी का। मैंने फ़ोन करके पूछा था, जो बाईपास पे हाकर होता है ना उसका नंबर है मेरे पास, क्यों जाना होता है इसलिए उसका नंबर रखा हुआ है। तो अभी 2 बजे हैं, तो 2:45 गाड़ी का टाइम है, बस अभी 15-20 मिनट तक निकलते हैं। मैं तकरीबन ईशा के वक्त पहुंचा था। ये वीडियो 12 रुपये अवल की वजह से रोड पे काफ़ी रश था, ये मेहराब वगैरह बनाए हुए थे, तो मैंने उसकी आते हुए थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो बस अभी थकावट काफ़ी हो रही है, आराम करना है। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए ज़्यादा तो बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।